हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। इस बार की दिवाली सेलिब्रेशन हम लोगों ने विद्यालय में कुछ इस प्रकार से किया। बहुत ही सुंदर सुंदर बच्चों ने फूलों से और रंगोली बनाई, आटे के दिए बनाए और वेस्ट पेपर से उन्होंने पटाखे, फुलझड़ी आदि बनाई। बहुत ही अच्छे अच्छे ड्राइंग्स बनाई और बहुत ही अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर बच्चों ने रंगोली बनाई। इतना अच्छा अच्छा क्राफ्ट बनाया बच्चों ने। ये सभी कुछ आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ऐसे ही उपयोगी वीडियोस देखने के लिए और मेरे स्कूल की एक्टिविटीज़ देखने के लिए। बच्चों के क्या कर रहे हैं, क्या क्या क्रिएटिविटी कर रहे हैं बच्चे स्कूल में मेरे। कुछ मैंने प्रिंट आउट्स निकलवा लिए थे इस तरीके के दिवाली वाले, और जो बच्चों ने अच्छी ड्राइंग्स बनाई थी ब्लैक बोर्ड पर से देख करके उन बच्चों को दे दिए। और बच्चों ने यहाँ पर देखिए उनकी पत्ती की कटिंग करके और बहुत ही अच्छे ये रंगोली के लिए तैयार किया। बच्चों ने ये दिवाली कार्ड्स बनाए और यहाँ पर हेमलता मैम ने रंगोली भी बनाने में बच्चों की मदद की। और ये बच्चों ने क्राफ्ट बनाए, जिन बच्चों ने अच्छा किया था और जो बच्चे अच्छा कर पा रहे थे तो उनको क्राफ्ट बनाने के लिए भी सामान भी दिया मैंने। और यहाँ पर कुछ बच्चों ने कंदील बनाए और वेस्ट पेपर से, ये जो पेपर देख रहे हैं आप इस तरीके का, बहुत ही पतला पेपर होता है ये, इसको करके यहाँ पर इस तरीके से बच्चों ने रोल करके और बहुत ही सुंदर सुंदर क्राफ्ट बनाए दिए, और उसको एक गत्ते पर चिपका करके इस तरीके से, और यहाँ पर उसको कलर कर दिया बाद में ऊपर से। देखने में बहुत ही सुंदर अमेजिंग लग रहा था। काफ़ी क्रिएटिविटी है इस चीज़ को करने में। ये जो एक क्लास में हम बच्चों की इस समस्या से ग्रसित होते हैं कि बच्चे कॉपी के पेज फाड़ रहे हैं और उनको फेंक रहे हैं, उस खराब फटे हुए कागज़ को भी आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर बच्चों के साथ में, कि आप उन कागज़ों को जो बच्चे फाड़ करके फेंक देते हैं उन्हीं को उठवा लीजिए और उनको छोटे छोटे फाड़ करके इस तरीके से। और ये पुराने कुछ दुपट्टे हैं यहाँ पर जो कि रनका मैम लाइन थी, और उनके कुछ सितारे और मोती निकाल लिए कुछ क्राफ्ट बनवाने के लिए। और इनको जो दिए सजाने में भी बच्चों ने यूज़ किया, और काफ़ी क्रिएटिविटी बच्चों ने बहुत ही अच्छा सहयोग किया। देखिए इस तरीके से जो कि दुपट्टे में से निकाले थे सितारे और मोती और कुंदन, तो वो यहाँ पर बच्चों ने इसमें यूज़ कर लिए। और जो बच्चों के घर से जो करवा थे उन पर भी, उनको भी डेकोरेट किया बच्चों ने दिए और करवा को भी। आप खुद सुन सकते हैं कि बच्चों ने क्या क्या बनाया है, क्या क्या क्रिएटिविटी की है, देख सकते हैं आप खुद सामने देखो क्या बनाया है। दिया बनाया। ठीक, चलो क्या बनाया है? करवा को सजाया है। मैंने भी करवा था। ठीक, चलो भाई सजावट। पीपल के पत्ते को भी देखिए किस तरीके से शुभ लाभ लिखने के लिए यूज़ किया है, और यहाँ पर ये कलश बनाया और चावल से शुभ दिवाली लिखा है, दीपावली हेमलता मैम ने। और ये साथिया बनाया है बहुत ही सुंदर फूलों से, बच्चों ने रंगोली बनाई और वॉल हैंगिंग्स भी बनाए बच्चों ने, और काफ़ी बहुत ही मज़ा आया इस बार की दिवाली सेलिब्रेट करने में। बहुत ही अच्छे फूलों की ये सुंदर रंगोली, और ये बगल में एक पेड़ था तो ये देखिए आप जो पीले कलर के जो फ्लावर हैं वो यहाँ बगल में सूखे ही थे, उनको ही मैंने यूज़ कर लिया है, सूखे फ्लावर्स को भी। और ये सारा पूरा कुछ बच्चों ने बनाया हुआ है, और बच्चों ने वेस्ट पेपर से फुलझड़ी, पटाखे, अनार और चकरी ये सब बनाया बच्चों ने, और कंदील, जो भी उनको, जो बच्चा जिस चीज़ को बनाने में एक्सपर्ट था, अपने मतलब किसी बच्चे को ये नहीं कहा
कि आप ये बनाइए। प्रेशर राइस किसी पे नहीं था, जिस बच्चे को जो अच्छा लगता था उस बच्चे को वह चीज़ हम लोगों ने बनाने दी, ताकि उनकी क्रिएटिविटी को एक आकार मिल सके और वे अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग कर सकें। और इतना अच्छा काम हुआ इस बार तो, और बच्चों ने इतने अच्छे के उनको प्रशंसा के लिए उनके शब्द नहीं है मेरे पास, कि एक लड़की ने तो इतना अच्छा पटाखा बनाया है कि उसको देखने पे तो सचमुच में लग रहा था कि वह पटाखा है। और अनार भी छोटे बच्चों ने, यहाँ के तक कि सेकंड क्लास के बच्चों ने भी बहुत ही अच्छा, मतलब क्या ही एक्सप्लेन करूँ कि वर्ड्स भी कम पड़ रहे हैं। क्या बनाया? मैंने बनाए हैं पटाखे। मैंने पहले इसको काटा, क्या काटा? मैंने इसका ये चौकोर काटा था, फिर इसको मोड़ कर चिपकाया था। देखो कितने अच्छे, बस क्या बोलते हैं इनके, देखने में बिल्कुल ऐसे अगर पकड़ा जाए तो रियल पटाखा लग रहा है। और ये केवल जो वेस्ट पेपर है उसको रेड कलर से करके और उससे बनाया है, और यहाँ पर एक इसकी ये निकाल दी है जिससे ये बिल्कुल रियल पटाखे का लुक लग रहा है। ठीक, नाम और बोलो अपना। माय नेम इज नेहा श्रीवास, इट्स माय क्लास, आई स्टडी इन क्लास 5, माय स्कूल इज प्राइमरी इंग्लिश मीडियम स्कूल, गुजरात ब्लॉक बांग्ला डिस्ट्रिक्ट झांसी यूपी। अब बोलो कैसे बनाया? मैंने पटाखे बनाए हैं वेस्ट पेपर से। मैंने वेस्ट पेपर से बनाए हैं, उसको चौकोर काट कर मोड़ कर चिपका कर फिर उसकी बाती को मोड़ कर फिर काट कर मोड़ कर फिर चिपकाया है मैंने। वेरी गुड। मेरी YouTube चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही क्रिएटिव वीडियोस देखने के लिए, और बच्चों की और मेरी क्रिएटिविटी देखने के लिए। आई एम ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।